मारूफ अदाकारा जवेरिया सऊद ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने मकबूल ड्रामे खुदा और मोहब्बत और इश्क मुर्शिद के गाने समेत दीगर ड्रामों के गाने भी लिखे मगर इन्हें इनका क्रेडिट नहीं दिया गया। जवेरिया सऊद ने हाल ही में समा टीवी के मॉर्निंग शो में शिरकत की जहां इन्होंने मुख्तलिफ मामलात पर खुलकर बात की। इसी दौरान इन्होंने इंकशाफ किया कि इन्होंने मुतअद्दिद ड्रामों के गाने लिखे मगर इन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया और इन्हें दोस्तों ने ही धोखा दिया। अदाकारा का कहना था कि गाने लिखवा कर क्रेडिट ना देने के मामलात इंतहाई छोटे हैं, इससे बड़े बड़े मामलात और धोखे भी हुए हैं लेकिन इन्होंने इनका जिक्र नहीं किया। जवेरिया सऊद का कहना था कि दोस्तों की जानिब से मिलने वाले धोखे से ही इंसान सीखता है और इन्होंने भी सीखा है लेकिन इन्हें कोई पछतावा नहीं है कि इन्हें गाने लिखने के बावजूद कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। अदाकारा ने बताया कि मकबूल ड्रामे खुदा और मोहब्बत के पहले सीज़न को इन्होंने ही प्रोड्यूस किया और इसका गाना भी इन्होंने ही लिखा था जो काफ़ी मकबूल हुआ था। इसी वजह से ड्रामे का गाना तब्दील नहीं किया गया और नए सीज़न में भी पुराना गाना ही शामिल किया गया है। इन्होंने इंकशाफ किया बाद अज़ां खुदा और मोहब्बत के OST में थोड़ी सी तब्दीली करके गाने का क्रेडिट किसी और को दे दिया गया। जवेरिया सऊद ने कहा कि जब इन्होंने क्रेडिट ना देने का शिकवा किया तो इन्हें कहा गया कि अगर इनका गाना मकबूल ना होता वो कभी शिकवा ना करती, लेकिन अब गाना मशहूर हुआ है तो वो क्रेडिट देने की बात कर रही हैं। इन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि मशहूर ड्रामे इश्क मुर्शिद का OST भी इन्होंने ही लिखा है, ताहम इसके बावजूद इन्हें इसका क्रेडिट नहीं दिया गया। जवेरिया सऊद ने दावा किया है कि इन्होंने दीगर ड्रामों के भी OSTs लिखे हैं लेकिन इन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया, लेकिन इन्होंने मजीद ड्रामों के गाने का जिक्र नहीं किया और ना ही किसी का नाम लिया।